असलम स्टूडेंट्स uh, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू हम लोग किस तरीके से जो है वो सिग्नलिंग हमारे बॉड सेल जो है वो सिग्नलिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं इससे पहले हम लोगों ने जो है वो जी प्रोटीस कपल रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल पढ़ ली है और काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो है ना वो इसके बारे में डिस्कशन की है आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग इसकी ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन सा करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स की इम्पोर्टेंस के हवाले से दैन उसके जो है ना वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के हवाले से बात करेंगे फिर

हम लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ ली हुई है ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अहम काम सर अंजाम देती है जिसमें साइट से लेकर जो है ना वो स्मेल और टेस्ट जैसे जो सेल्स हैं जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं स्मेल्स हैं साइट के जो सेल्स हैं लाइक हमारी आ, रिसेप्टर्स हैं आ, नौपसे, नौपसे, आई के दर, ये सब के सब जो है ना वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स बेस्ड सिग्नलिंग को सर अंजाम देते हैं ह्यूमन्स बॉडी के अंदर तकरीबन जो है ना वो 800 प्लस जो है वो जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर हैं और काफी ज्यादा जो इनकी जीन्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं सो जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर जो है ना वो स्ट्रक्चर में भी वेरिएशन शो करते हैं और साथ ही साथ जो है ना वो फंक्शन के अंदर भी वेरिएशन शो करते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखें तो ये कॉम्प्लेक्स से बड़ी से बड़ी प्रोटीन्स आ, की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं छोटे चोट छोटे से जो है ना वो अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं फैटी एसिड्स की साथ भी मौजूद होते हैं और इसी तरीके से लिंक्ड होते हैं और इसी तरीके से फोटॉन्स जैसे आ, हम लोगों ने भी बात की कि आए आ, के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि फोटॉन्स की बेसिस के ऊपर ही फोटॉन्स के मिलने से जो है ना वो अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर पाते हैं तो so इसलिए अगर हम लोग स्ट्रक्चरली देखें तो वो भी इसका रोल जो है वो पार्ट बनते हैं तब जाके वो जी प्रोटीन का जो है, वो अपने फंक्शन को परफॉर्म कर पाते हैं फंक्शनली देखें है हम लोग इसको तो ये बहुत ही डाइवर्स फंक्शन परफॉर्म करता है ठीक है फॉर <coughs> एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम यहाँ हमने ये यह पहले भी इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यही बात की थी कि जो सेल सिग्नलिंग होती है उसमें ज़रूरी नहीं कि एक कॉमन ड्रग जो है या एक कॉमन जो मॉलिक्यूल है वो तमाम बॉडी के सेल्स के ऊपर सेम रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करे सो so, इसी तरीके से एडीना जो है वो तकरीबन तो जो है वो नाइन डिफरेंट टाइप्स के जी प्रोटीन कपल इसेप्टर को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है और अगेन अब वो नाइन जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हैं वो इन रिटर्न आगे से मजीद, जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स के साथ लिंक हो सकते हैं जो कि टोटली डिफरेंट तरह का जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं सो डिफरेंट रिसेप्टर्स जो है वो हमारे पास मौजूद अच्छा जी तो ये जो डिफरेंट रिसप्टर हैं वो सेम सिग्नल uh, के जो रिस्पॉन्स करने वाले होते हैं uh, वो मोस्टली जो है वो डिफरेंट सेल टाइप्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं ताकि वो जो है वो एक डिफरेंट तरीके का जो है वो रिस्पॉन्स को जो है वो एलिसाइड कर सके ठीक है अच्छा जी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के जो है वो स्ट्रक्चर के ऊपर ठीक है तकरीबन तमाम के तमाम जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ना उनके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक सिंगल पोली चेन है जो कि सेवन टर्नस के अंदर अवेलेबल होती है ठीक है यानी कि हमारे पास अगर हम लोग ये देखें तो एक ही सिंगल पोली चेन है जो कि टर्न हुई हुई है और वो सेवन डिफरेंट जो है ना वो शॉर्ट हेलिक्सिस की फॉर्म में बना रही है स्ट्रक्चर जैसे हमारे पास यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वो छोटे छोटे से हेलिक्स बना बनते हुए नजर आ रहे हैं अब ये हेलिक्स जो है इनके अंदर जो अमाइनो एसिड्स यूज हो रहे होते हैं वो अमाइनो एसड्स बेटा जी हाइड्रोफोबिक नेचर होते हैं और ये बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये जो सेंट्रल रीजन है ना ये इस मेमब्रेन के अंदर जो है वो आ, अच्छे तरीके से एम्बेडेड फॉर्म में आ जाता है जिसकी वजह से इसका एक पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में होता है और दूसरा पोर्शन जो है ना वो इसकी साइटोसोलिक रीजन में होता है सो इस वजह से ये क्या कर सकते हैं कि ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है ना वो किसी भी सिग्नल को सेल के बाहर से सेल के अंदर तक जो है ना वो इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है अपने इस यूनिक जो इनकी करेक्टरिस्टिक है उसकी वजह से कि इनका कुछ पोर्शन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में होता है एक्स्ट्रा डोमेन की फॉर्म में मौजूद होता है और कुछ जो है ना इंट्रासेलुलर डोमेन की फॉर्म में होता है सो इस तरीके से सेल को कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है कि बाहर से कोई भी सिग्नल आ रहा है तो वो ईजिली बगैर किसी मेम्ब्रेन के क्रॉस किए वो अपने जो स्पेसिफिक फंक्शन है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है इनटू द सेल

अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे सिंपलेस्ट यूक्रियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो है यीस्ट। उसके अंदर भी जी प्रोटीन कपल डिसेप्टर हैं और हम जो सबसे एडवांस यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमंस उसके अंदर भी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है तो सो हम लोग एक तरह का ये कह सकते हैं कि ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ना ये बड़े ही क्रूशल रोल प्ले करते रहे हैं हमारी ओवर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ठीक है सो so, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ये आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनिमल किंगडम के अंदर ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं ड्रग्स हैं हमारी तकरीबन हाफ से ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू ही प्रोसीड होती हैं ठीक है सो so, इस तरह से आप लोग जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही क्रूशल रोल प्ले कर रहे हैं जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर्स जिस प्रोटीन के साथ जुड़े होते हैं उसको हम लोग जो है ना वो जी प्रोटीन कहते हैं इसको हम लोग जी प्रोटीन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जी टी पी बाइंडिंग प्रोटीन होती है ठीक है इस प्रोटीन के अगर हम लोग स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें ये हमारे पास जो है ना वो जी प्रोटीन है ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर था और ये हमारे पास जो है वो जी प्रोटीनस है सो so, ये जी प्रोटीन जो है ना बेटा वो एक ट्राइमेरिक है यानी कि इसके जो जो है है. है ना वो वो तीन ठीक लार्जर सब यूनिट होता है और बीटा और गैमा जो है ना ये स्मॉलर होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना वो स्ट्रॉन्गली कम्बाइंड फॉर्म में होते हैं इसी तरीके से अगर हम लोग जो है ना वो इस जी प्रोटीन की बात करें तो इसके ये तीनों जब यूनिट्स को हम लोग देख रहे हैं तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो अल्फा सब यूनिट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सिमिलरली गैमा सब यूनिट जो है वो डायरेक्टली लिंक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. जबकि बीटा सब यूनिट जो है ना उसका कोई लिंक नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जबकि बीटा में जो सब यूनिट है मैंने पहले कहा कि वो गैमा सब यूनिट के साथ स्ट्रॉन्गली जो है वो बाउंडेड होता है सो so, वो इसी के थ्रू जो है वो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है अब ये जो अल्फा सब यूनिट है लार्जर सब यूनिट है इसके पास एक पॉकेट होती है एक एक्टिव साइट होती है एक कैविटी होती है जिसके ऊपर जिसके साथ जो है वो गोवानिन डाई फॉस्फेट जी जो है वो अटैच होता है ठीक है ना अगर तो अल्फा सब यूनिट के साथ जी जुड़ा हुआ हो तो जी प्रोटीन जो है ना बेटा जी वो इनएक्टिव फॉर्म में होते अगर आप यहाँ पर इसकी कंफिगुरेशन देखो तो इसके ऊपर वाला ये पोर्चन देखो यहाँ पे एक लेफ्ट है यहाँ पे छोटे छोटे से जो है ना वो साइड नजर आ से रही है सो so, ये परफेक्टली बाइंड करता है इस जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ आकर लेकिन ये तब तक नहीं बाइंड करेगा जब तक ये जीडीपी इसके साथ अटैच है ठीक है ना सो जी डी अटैच है और ये जी, uh, जो रिसेप्टर है हमारे पास ये एक्टिवेटेड नहीं है जू ही इस बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल जो है वो आएगा वो लाइगेंड आएगा वो लाइगेंड एंड आकर जो है ना वो इसके साथ बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद वो इस रिसेप्टर को अलाउ करेगा कि वो इस जी प्रोटीन के साथ बाइंड कर सके

वो इसके अंदर आकर जो है ना वो फिट हो जाएगा अब गोवानिन ट्राईफॉसफेट की फिटिंग जो है वो क्या करेगी वो इस जी प्रोटीन को इस रिसेप्टर से भी अलहदा कर देगी इसके अल्फ़ा सब यूनिट को इस रिसेप्टर से भी अलग कर देगी और साथ ही साथ ये जो बीटा गैमा सब यूनिट है इसको भी सेपरेट कर देगी अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिग्नल आउटसाइड द सेल से इन जो है वो सेल के जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है ठीक है अब वो ट्रांसफर होने के बाद देखो बाहर से सिग्नल आया था एक स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में ठीक है अब वो अंदर आने के बाद जो है उसने ये दो एक्टिवेटिड मॉलिक्यूल जनरेट कर दिए अब ये दो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल सेपरेटली ये सेपरेटली कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा और ये सेपरेटली जो है वो कुछ डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा ठीक है सो so, ये मिलकर कलेक्टिवली कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे सो so, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है वो क्या करता है वो बेटा एक्ट करता है लाइक अ गोवानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जी क्योंकि इसने ही अलाउ किया है इस अल्फा सब यूनिट के अंदर कन्फिगोरेशनल चेंज को जिसकी वजह से इसकी ये एच डोमेन जो है वो अप हुई है और ये जो डी है जी डी पी है ये जी डी पी जो है वो रिप्लेस हो गई है विदी पी लेकिन ये रिप्लेसमेंट किस वजह से पॉसिबल हुई है बेटा जी ये पॉसिबल हुई है सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की वजह से जिसने एक्ट किया अपने फंक्शन को परफॉर्म किया है एज ए गोवानी न्यूक्लोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्लियर है बेटा यहाँ से आप लोगों को बात जो है ना वो क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरीके से आ, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो सिग्नल को वो मैसेज को ट्रांसफर करता है इनटू द सेल थ्रू जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड जी प्रोटीन ठीक है सो so, इसके बाद आती है बारी आगे जी कि ये जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गई अब हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बात पढ़ी थी कि सिग्नलिंग के अंदर जो है वो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन बहुत जरूरी है यानी कि अगर कोई चीज एक्टिवेट हुई है तो उस प्रोटीन चीज को जो है ना वो हम लोगों ने डीएक्टिवेट भी जरूर करवाना है क्योंकि हम लोग इन दोनों चीजों को कंटिन्यूसली जो है ना वो एक्टिव रहने नहीं दे सकते क्योंकि अगर ये दोनों कंटिन्यूसली और परमानेंटली एक्टिव रहेंगी तो जो डाउन स्ट्रीम ये रिस्पॉन्स क्रिएट करने जा रही हैं वो रिस्पॉन्स बार बार होता रहेगा और वो फंक्शन जो है ना वो बॉडी का वो फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होगा सो so, इसलिए इस एल्फा सब यूनिट को जो है वो दोबारा से जो है ना वो हम लोगों ने डीएक्टिवेट ज़रूर करना है इसको हम लोगों ने स्विच ऑफ ज़रूर करना है ठीक है सो so, इसको हम लोग जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे अच्छा जी अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आ, एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म में अल्फा सब यूनिट था जी प्रोटीन्स का गोअर इन एक्सचेंज फैक्टर जो कि जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर ही थे जिन्होंने इसको गोवन को एक्सचेंज किया था जीडीपी की जगह पे जीटीपी लगाकर इसको जो है वो एक्टिवेट किया था ठीक है अब इस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन का ये जो अल्फा सब यूनिट है इसको हम लोगों ने डीएक्टिवेट कैसे अल्फा सब यूनिट जो है ना वो जी टी पी एज एक्टिविटी रखता है जी टी पी एज ए एस ई मीन ठीक है इसकी एक इंट्रेंजिक जी टी पी एज एक्टिविटी होती है इंट्रेंजिक का मतलब होता है कि ये खुद ब खुद से जो है ना वो एट जी टी पी को एट जी डी पी में जो है ना वो कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है ठीक है लेकिन ये जो इंट्रेंजिक एक्टिविटी होती है ना ये सब के पास नहीं होती ये तमाम जी प्रोटीन के सब uh, यूनिट्स के पास नहीं होती सो इसलिए जब भी कोई एक अल्फा सब यूनिट जो है वो एक्टिवेट होता है तो उसके साथ जो है ना वो uh, एक रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग जो है वो तो उसके साथ जो है वो एक रेगुलेटर ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक प्रोटीन की फॉर्म में आकर जुड़ता है जो अपना रोल प्ले करता है एज ए जी टी पी एज एक्टिवेटिंग प्रोटीन्स ठीक है अच्छा यहाँ पर ना अब ये दोनों ये दो सेम ही चीज़ के नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल रेगुलेटर ऑफ़ जी प्रोटीन सिग्नलिंग जो है वो रेगुलेट करेगा अब ये रेगुलेशन जो है ना वो उसकी ये एक जनरल टेक्नोलॉजी है किसी भी आ, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में कि वो जो है वो उसको डीएक्टिवेट भी कर सकता है उसको एक्टिवेट भी कर सकता है और अगर हम यहाँ पर जब बात कर रहे हैं उसकी डीएक्टिवेशन के हवाले से तो तब हम लोग उसके रोल को जो यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे जो हम लोग उसको आ, आ, को, कोशिश करेंगे उसको समझने की तो वो हम लोग इस फॉर्म में देखेंगे कि वो जी टी पी एज एक्टिवेटिंग प्रोटीन की फॉर्म में जो है ना वो अपना रोल प्ले कर रहा है सो so, ये गैप प्रोटीन क्या करेंगे इस आ, अल्फा सब यूनिट्स से Uh, जो है वो GTP का जो मॉलिक्यूल था उससे एक फास्फेट ग्रुप को रिमूव कर देंगे और इसको जो है वो स्विच ऑफ कर देंगे ठीक है सो so, इस तरीके से हमारा एक जो एक्टिवेटेड uh, सिग्नल था वो अब जो है वो नेगेटिव uh, फीडबैक के थ्रू जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है वो ख़त्म कर दिया गया है और हम लोगों ने जो है वो उस पाथवे को जो स्विच ऑफ़ कर दिया तकरीबन 25 के करीब जो है ना हमारे पास रेगुलेटरी जी प्रोटीन सिग्नलिंग प्रोटीन्स होती हैं जो कि ह्यूमंस के अंदर पाई जाती हैं सो इनका काम ये होता है कि जी प्रोटीन जो ही एक्टिवेट हुई उसको जो है ना वो डीएक्टिवेट करना उसकी आ, जो है वो सिग्नल को ब्लॉक करने के लिए क्योंकि हम लोग इनका आ, इनकी एक्टिवेशन ज़्यादा देर तक जो है ना वो सेल के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते सो नेक्स्ट यदि हमारे पास कि सम जी प्रोटीन रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल ए एम पी हम लोगों ने पीछे जो है ना वो uh, अपना फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें हम लोगों ने यदि देखी कि जी प्रोटीन्स जो है वो किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं और किस तरीके से वो सिग्नल को जो है वो डाउन uh, स्ट्रीम में जो है वो प्रोसीड करवा देते हैं अब हम यहाँ पर जो है ना वो इस जी प्रोटीन का एक पाथवे पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर ये जी प्रोटीन जो है वो साइकिलिक एम की प्रोडक्शन को जो है ना वो इंक्रीज करती है साइकिलिक एम है क्या सबसे पहले ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं आप लोगों को ए का स्ट्रक्चर बड़े अच्छे तरीके से याद है कि एडिन आदिन, एडिनिन है फॉसफेट ट्राइबोज शुगर है और देन जो है वो थ्री फॉस्फेट ग्रुप है अब एक एंजाइम होता है हमारे सल के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं एडिनलाइल साइक्लेज। एडिनलाइल साइक्लेज। ये एडेनलाइल साइक्लेस क्या करता है इस ए के मॉलिक्यूल से दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है दो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करने के बाद जो है ना वो उसको को लिंक कर देता है इस फाइव प्राइम शुगर वाले फॉस्फेट को जो है ना वो थ्री प्राइम के साथ और एक साइक्लिक पोर्शन बना देता है फॉस्फेट का जिसको हम लोग साइक्लिक एएमपी Adenosine के नाम से जानते हैं और ये ए एम पी का मॉलिक्यूल फ्लोट करता है और एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर ये बात हम लोग पहले से जानते हैं कि साइक्लिक पी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर एक्ट करता है अब ये जो सेकेंडरी मैसेंजर uh, uh, के तौर पर एक्ट करता है तो इसका uh, इसकी तादाद को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है सेल के अंदर कि अगर साइक्लिक ए की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है ये पी ठीक है सो so, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि ये जो है ना वो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को ज्यादा बहुत काफी बहुत ज्यादा मकदार में जो है वो एनहानस कर सकता है सो so, इसको दोबारा से जो है ना वो डिएक्टिवेट करने के लिए सेल के अंदर एक और एंजाइम होता है जिसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक एएमपी फास्फोडाइएस्टरेज ठीक है ना ये एस्ट्रेज है और ये क्या करेगा ये उस एस्टर बॉन्ड को प्राइम के थ्री प्राइम के ऊपर तोड़ देता है और दोबारा से उसको जो है वो कर देता है पी में ठीक है सो so, एड इन साइकिलेज जो है वो क्या करता है वो साइक्लिक ए को बनाता है साइक्लिक ए एक एक्टिवेटेड एक सेकेंडरी मैसेंजर है और इस एक्टिवेटेड सेकेंडरी मैसेंजर को इनएक्टिवेटेड uh, जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ही जो है ना वो साइक्ल के एम्पिफॉसफोडाइस रेस uh, मौजूद होता है ठीक है ताकि हम लोग वो जो सिग्नल जनरेट हुआ है उसको थोड़ी देर बाद हम लोग जो है दोबारा से uh, रोक सकें ताकि हमारा जो सेल है वो अपनी नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर दोबारा आ सकें सो so, एडिनाइल साइक्स जो है वो एक बहुत बड़ा मल्टीपैस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसकी कैटालेटिक डोमेन जो है वो साइटोसोलिक एंड के ऊपर मौजूद होती है मैं यहाँ पर आप अगर आप लोगों को इसकी पिक्चर दिखा दूँ तो ये आपको जो ब्राउन कलर का नजर आ रहा है ये एडेनलाइज साइक्लेज है आप इसको देखो तो ये भी जो है ना वो एक बहुत बड़ा है साइज के अंदर और इसकी भी ये ट्रांस मेम्ब्रेन है ट्रांस मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन से मुराद क्या है कि इस सेल के थ्रू जो है ना वो गुजर रही है और इसकी ये जो एक्टिवेटेड जो कैटालिटिक डोमेन है वो साइटोसोल वाले यानी कि सेल के अंदर वाली साइड के ऊपर है अब हुआ क्या था जब ये सिग्नल आया एक्ट किया बाइंड किया इसके साथ Uh, जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करने के बाद उसने क्या किया जी उसने एक्टिवेट किया इस अल्फा सब यूनिट को जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट्स को जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट ने क्या किया आके बाइंड कर गया वो एडेनलाइज साइक्लेज के साथ जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट जो ही एडेनलाइज साइक्लेज के साथ बाइंड किया एडेनलाइज साइक्लेज का काम क्या का का था ए को साइक्लिक के में कन्वर्ट करना उसने धड़ाधड़ धर सेल के अंदर मौजूद जितने भी ए थे उसको जो है वो साइक्लिक के में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया अब ये साइक्लिक के जो है वो मजीद डाउन जो है ना वो सिग्नलिंग को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे ठीक है सो इस तरीके से जो सिग्नल सेल के बाहर से चला था वो अंदर की तरफ आया और अंदर की तरफ आकर वो एम्पलीफाई हो गया इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ठीक है और ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो पूरे सेल में जो है वो फैल जाएंगे ठीक है और अपना फंक्शन जो है वो पूरे सेल तक जो है वो बिखेर देंगे ठीक है so, सो यहाँ पर जो है ना वो एक छोटी सी कंपेरिजन उसने किया है बुक के अंदर वो कंपेरिजन किया है जी प्रोटीन्स की आ, दो टाइप्स के दरम्यान में ठीक है जी प्रोटीन्स आ, जो है हमारे पास जिस जिसका हम लोग अल्फा जिक्र कर रहे हैं ये जो है वो चार तरह की होती हैं जिसमें से दो प्रोटीन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक को हम लोग कहते हैं जी स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन जिसको जी एस से डिनोट करते हैं और इसी तरह से है जी इनहिबिटरी जी प्रोटीन जी आई अब स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन क्या करती है नाम से ही जाहिर है कि ये प्रोटीन जब भी आ, एक्टिवेट होगी तो ये स्टिमुलेशन करेगी ये किसी चीज को और जो है ना वो इंक्रीज करेगी तो ये इन रियलिटी इस साइकिल एम के प्रोडक्शन को एनहांस करती है ठीक है जबकि अगर जी आई जो प्रोटीन है हमारे पास जी आई प्रोटीन अगर जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा कि ये इस साइक्लिक ए एम की प्रोडक्शन को जो है ना वो इनहिबिट करेगी बाय इनहिबिटिंग द दाइक्स जी एस वाली जो प्रोटीन थी उसने इस एडक्लेस को एक्टिवेट किया अपने साथ बाइंड करवा के और उसकी एक्टिवेशन से की कंसेंट्रेशन बढ़ गई सेल के अंदर जबकि जो जी आई का अल्फा सब यूनिट होगा वो एडेनलाइज साइक्ले के साथ बाइंड करेगा तो वो ब्लॉक कर देगा साइक्लिक एम की प्रोडक्शन को सो तो इस तरह से फिर क्या होगा सेल के अंदर जो है वो साइक्लिक प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ठीक है सो इस तरह से जो हम लोगों ने पहले बात की कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो मजीद आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से, आ, से जो है वो लिंक हो सकते हैं सपोज करते हैं कोई एक लाइक लेट्स से हम लोग एड, जो है ना आके बाइंड किया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ लेकिन किसी एक सेल के ऊपर ये जी प्रोटीन का जो है वो जी प्रोटीन के साथ लिंक था किसी दूसरे सेल के अंदर जो है ना वो लिंक था किसी इनहिबिटरी जी प्रोटीन के साथ ठीक है एक सेल के अंदर जो है वो साइकिल के एमसेंट्रेशन बढ़ गई और दूसरे सेल के अंदर जो है उसकी कंसेंट्रेशन काफी हद तक डाउन हो गई ठीक है सो so इस तरीके से जो है ना वो आ, सेल की सिग्नलिंग जो है वो वेरी करती है फ्रॉम अ सिंगल काइंड ऑफ रिसेप्टर सो so, यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल दी है उसने ये कहा है जी के जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है ना वो हमारे पास बड़े ही जो है ना वो जी जी, जी प्रोटीन्स होती हैं ये बड़ा ही आ... एक हॉट पॉइंट्स होती हैं डिफरेंट बैक्टेरियाज के लिए जैसे यहाँ पर वो एग्ज़ाम्पल देता है uh, जो बैक्टीरिया हमारे अंदर कॉलरा कॉज करता है ठीक है वो प्रोड्यूस करते हैं बैक्टेरियाज एक टॉक्सिन uh, जिसको हम लोग कॉलरा टॉक्सिन कहते हैं इन रियलिटी ये टॉक्सिन जो होते हैं ना ये टॉक्सिन एक एंजाइम होते हैं और इस एंज़ाइम का काम क्या होता है ये सेल के अंदर जाते हैं सेल के अंदर मौजूद जो uh, एन ए डी होता है एनए डी प्लस निकोटीनाइनिकोट एक्चुअली इन रियालिटी ये भी एक ए की डेरिवेटिव मॉलिक्यूल है ठीक है ना सो so, इससे वो क्या करते है? वो एक ribose sugar लेते हैं और वो राइबोज शुगर जो है ना वो अटैच करवा देते हैं इसके अल्फा सब यूनिट के साथ ठीक है इस जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ जो है वो अटैच करवा देते हैं अब जी जो अल्फा सब यूनिट है ठीक है वो तो तब अपने साथ जीटीपी लगाता था जब ऊपर से सिग्नल आता था अब सिग्नल आया कोई नहीं ठीक है सेल के अंदर से इस जो राइबोज शुगर है वो इसके साथ लग गया और इस राइबोज शुगर ने क्या किया इस अल्फा सब यूनिट के अंदर जो है ना वो स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया अब स्ट्रक्चर जब चेंज हो गया तो ये जो बाउंड जीटीपी था ये बाउंड जीटीपी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा जब बाउंड जीटीपी हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा तो एडिनलाइल साइक्लेज़ जो है ना वो हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा और हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा जब ये हमेशा एक्टिवेटेड फॉर्म में रहेगा तो एटीपीस जो हैं वो مسلسل सेल के कन्वर्ट होते रहेंगे साइक्लिक एएमपी की फॉर्म में सो so इन

जहां सोल्यूट जाएगा उसके पीछे पीछे वाटर भी चला जाता है ठीक है सो एज अ रिजल्ट वाटर जो है वो हमारे एपिथिलियल सेल से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में आने की बजाय वो वापस जो है ना वो गट के अंदर चला जाता है और गट के अंदर ही रहता है और देन वहीं से फीसिस के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है और इसी रिजल्ट को हम लोग जो है ना वो डायरिया कहते हैं सो एज अ रिजल्ट ये टॉक्सिन जो है वो क्या कर देता है हमारी बॉडी के अंदर स्वियर फॉर्म ऑफ डायरिया इंट्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग कॉलरा कहते हैं तो so, यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जी प्रोटीन्स जो हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी की हमारे सेल्स की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में यहाँ पर जो है ना वो कुछ आ, टेबल के अंदर कुछ हारमोन का जिक्र किया गया है कि ये जो है वो सॉरी ये जो है वो किस तरीके से इन टारगेट टिश्यूज के ऊपर अफेक्ट करते हैं और वो क्या मेजर रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम लोग और ये सारे के सारे जो है वो साइक्लिक के और जी प्रोटीन्स मेडिएटेड जो है वो हैं सो अगर किसी भी तरीके से साइक्लिक के की पी कंसनट्रेशन इन uh, के आप ये डाउन होती है तो ऑब्वियसली हम लोग जो है वो इन रिस्पॉन्स को जो है वो ठीक uh, uh, तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सो नेक्स्ट है जी हमारे पास के जी प्रोटीन्स कपल रिसेप्टर से प्रोटीन एक्टिवेट हुई जिसको हम लोगों ने जी प्रोटीन कहा उस प्रोटीन ने आकर सेल के अंदर जो है ना वो साइक्लिक को कर दिया अब वो साइक्लिक आगे क्या किस किस चीज को जाकर जो है ना वो एक्टिवेट कर सकती है उसके बारे में हम लोग जो है ना वो डिस्कस करने लगे हैं और उसके भी सिर्फ एक पोर्शन को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कि साइक्लिक ए एम डिपेंडेंट प्रोटीन मैंने आपको पहले भी बताया था काइनेज हम लोग उन एनजाइम्स को कहते हैं जो कि फॉस्टफेट ग्रुप को फॉस्फेट मोलिक्यूल को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी एंजाइम के ऊपर किसी भी दूसरे प्रोटीन के ऊपर ठीक है काइनेजेस वो एंजाइम होते हैं जो फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं किसी भी एंजाइम के ऊपर ठीक है तो साइक्लिक एएमपी जो डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस होते हैं uh, ये अच्छा जी इसके कैस्केड से पहले जो है ना वो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं बेटा कि ये जो है ना वो एक प्रोटीन काइनेज ए जो है ना वो एक टैट्रामेिक फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है ना ये की फॉर्म होता है जिसके अंदर इसके दो जो है ना वो रेगुलेटरी सब यूनिट्स होते हैं और दो जो है वो इसके कैटेलेटिक सब यूनिट्स होते हैं ठीक है ये जब आपस में रेगुलेटरी सब यूनिट जब कैटेलेटिक सब यूनिट्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं तो ये प्रोटीन जो है प्रोटीन काइनेज ए ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं जो ही सेल के अंदर इंक्रीज किया ये साइक्लिक भी आके बाइंड करेंगे इन हाली पॉकेट्स के अंदर जो कि हैं रेगुलेटरी सब यूनिट्स के और ये जो है ना वो रिलीज कर देंगे इन कैटालिटिक सब यूनिट्स को इस रेगुलेटरी सब यूनिट से अब ये कैटालिटिक सब यूनिट्स जो है ना वो काइनेजेस है जो कि ठीक है और ये काइनेजेस जाकर जो है ना वो दूसरी प्रोटीन के साथ दूसरे इंजाम के साथ बाइंड करेंगे और वहाँ पर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे ये so, ये जो एक्टिव सब यूनिट्स हैं सेल के अंदर जो है ना वो uh, जाएंगे और किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन को जो है ना वो अपने टारगेट प्रोटीन को ये एक्टिवेट uh, करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉस्फेट ग्रुप इन दैट इन देम और वो कहाँ पर बेटा जी इंट्रोड्यूस करेंगे वो मोस्टली जो इंट्रोड्यूस करते हैं वो उस टारगेट प्रोटीन के सीरिन और थ्रियोनिन जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ठीक है इन अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो ही उन प्रोटीन के फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे इन या अमाइनो एसिड्स के ऊपर तो वो प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देंगे वो कोई भी इंटरमीडिएट सिग्नलिंग प्रोटीन हो सकती है या वो कोई फाइनल जो है वो अफेक्टर प्रोटीन भी हो सकती है अच्छा ये जो आ, हमारे पास प्रोटीन के जो रेगुलेटरी सब यूनिट होते हैं पी के ए के इसको हम लोग जो है ना वो ए काइनेज भी कहते हैं अब ये रेगुलेटरी जो सब यूनिट्स हैं ये बेटा सेल लोकलाइजेशन के हवाले से भी बड़े जो है ना वो स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं कैसे जी कि ये एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं ए काइनेज एंकरिंग प्रोटीन ठीक है ए काइनेज एंकरिंग प्रोटीनस इन रेगुलेटरी सब यूनिट्स को पकड़ लेती हैं और ये एक जो एंकरिंग प्रोटीन्स होती हैं, एकेप्स जो होती हैं हमारे पास ये एकेप्स सेल के अंदर किसी भी खास जगह के ऊपर जो है ना वो जाकर बैठ सकती हैं जहाँ पर जाकर उसकी जगह पर बाइंड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है ये जो है ना वो आ, किसी आ, स, न, किसी ऑर्गनेली की मेम्ब्रेन के साथ जाके बाइंड कर जा किसी साइटोस्केलेटन के किसी पोर्शन के साथ जाके बाइंड कर दें सो एक्चुअली सेल में कहाँ पर इनकाइनेजिस की जरूरत है वो डिसाइड करती हैं ये एक ठीक है कि ए काइनेज एंकरिंग प्रोटीन जहां पर इन रेगुलेटरी सब यूनिट्स को लेकर चली जाएंगी वहीं पर जाकर जो है ना वो ये एकेटलिटिक सब सब यूनिट्स जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे ठीक है सो so, ये जिस तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है कि जो हार्ट के मसल सेल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर जाके जो है ना ये e ने एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं अब ये कैप e क्या करती हैं जी कि ये जो है ना वो प्रोटीन का और साथ में ही पकड़ के रखती हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेस हमने पीछे बात की कि फोड्रेस का काम क्या होता है का काम होता है इस साइक्लिक पी को इस एम में कन्वर्ट करना एक एक्टिवेटेड फॉर्म को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट करना अब नॉर्मली क्या होता है सेल के अंदर हार्ट के मसल सेल के अंदर ने क्या किया परफॉर्म किया होता है और साइक्लिक ए की पीट्रेशन को लोअर करके रखा होता है ठीक है अब नॉर्मल हालात में साइक्लिक ए एम पी कंसनट्रेशन लो होती है जब साइक्लिक ए एम पी कंसनट्रेशन लो होगी तो ये जो प्रोटीन का इन ए है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगा ठीक है ना अब होता क्या है कि ये कैप ने इसको न्यूक्लियस के गिर जो है ना वो बाउंड किया होता है इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को जूँ ही सिग्नल आता है बाहर से बाहर से सिग्नल आया साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन सेल में बढ़ गई ठीक है फास्टफोडाइस्ट्रे स्टिल काम कर रहे हैं है इस के इतनी हो है के कि वो कुछ ना कुछ साइक्लिक के एम पी जो है ना वो इस पी के ए के पास जो है ना वो आ जाती है जूँ ही थोड़ी देर के लिए भी साइकिल के एम पी जो है वो इस पी के पास आया तो, तो कैटालिटिक सब यूनिट्स को रिलीज कर देना कैटालिटिक सब यूनिट्स ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया उस न्यूक्लियस के अंदर ठीक है ना? और हो सकता है कि ये कार्डिलेक्स सब यूनिट्स जो है ना वो जाके किसी जीन के को जो है वो एक्टिवेट करना शुरू कर दे या जाके कि किसी जो है ना वो छोटे से प्रोटीन को थोड़ी देर के लिए जो है वो अफेक्ट करें थोड़ी देर के लिए क्यों अफेक्ट करें क्योंकि ये फास्फोडेस्ट्रेस जो है वो इसके साथ जुड़ के बैठा हुआ है ये क्या करेगा ये जो है वो इस फास्फोकाइनेज ए के इर्द गिर्द आने वाले जितने भी साइक्लिक के एम उसको जल्दी जल्दी जो है ना वो हाइड्रोलाइज uh, करने की कोशिश करेगा उसको जल्दी जल्दी जो है वो खत्म करने की कोशिश करेगा ताकि फास्फोकाइनेज ए ज्यादा लंबी देर तक जो है ना वो एक्टिवेट न रह सके ठीक है सो so, इस तरह से क्या होता है एक बड़ा ही क्विक सा जो है ना वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है हार्ट के मसल सेल्स के अंदर जो के एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन uh, होती है इन तमाम प्रोटीन्स की ठीक है सो so, इस तरीके से हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि साइकिल की एम पी जो है वो बड़ा ही शॉर्ट टाइम के लिए एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है हार्ट के मसल सेल्स के अंदर बाई यूजिंग ऑल दीज प्रोटीन्स इन फॉर्म ऑफ कंप्लेक्सिस ठीक है इसी तरीके से ये जो साइक्लिक एम है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रिस्पॉन्स ही जनरेट कर सके ये बहुत लंबे रिस्पॉन्स भी जनरेट कर पाती है कैसे जनरेट कर पाती है जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जो है ना सोमेटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो कि पेप्टाइड की फॉर्म में है पेप्टाइड है मतलब एक एसिड की ट्रांसलेशन हो एक जीन की ट्रांसलेशन होने जा रही है और ट्रांसलेशन आपको पता है एक लंबा जो है वो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक लंबा प्रोसेस है और ये प्रोसेस होता है इनिशिएट इसी जो है वो साइक्लिक एएमपी मेडिएटेड पाथवे के थ्रू कैसे एक्टिवेट होता है उस चीज को हम लोग जो है ना वो अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर है सारे का सारा पाथवे आपके पास अवेलेबल है इस पाथवे को हम लोग जो है ना वो डिस्कस करते हैं लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग दो चीजों को जो है ना वो पहले डिस्कस करेंगे अच्छा जी लेट्स से कि ये जो ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रही है ये वो टारगेटेड जीन है जिसने हमारे पास पासिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करना है अब आपको पता है कि जीन के साथ जो है ना वो कुछ प्रमोटर रीजन होते हैं और कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं एनहानसर एंड जो है ना वो इनहेबिटर्स कुछ इस तरह से करके सो इस जीन के साथ एक खास किस्म का जो है ना वो डीएनए का सीक्वेंस है जिसको हम लोग कह रहे हैं साइक्लिक एएमपी रिस्पांस एलिमेंट क्री एलिमेंट्स ठीक है साइक्लिक एएमपी रिस्पांस एलिमेंट्स वो डीएनए का खास सीक्वेंस है जो कि साइक्लिक एएमपी को रिस्पोंड करता है यानी कि साइक्लिक एएमपी कंसंट्रेशन हाई होती है तो ये जो एलिमेंट है ये इस जीन के एक्सप्रेशन को एनहांस कर देता है जीन के एक्सप्रेशन को स्पीड अप कर देता है कैसे करता है वो हम लोग देखते हैं अभी सो so, एक्चुअली ये एक रेगुलेटरी रीजन है जो कि इस मेट्रोस्टेटन जीन के साथ अवेलेबल होता है इसी तरीके से एक और हमारे पास जो है ना वो दो प्रोटीन्स हैं एक को हम लोग कहते हैं क्रीब बाइंडिंग प्रोटीन्स ठीक है जिसको हम लोग जो है ना वो क्रैब की फॉर्म में कहते हैं और इसी तरह से हम लोग कह रहे हैं क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम लोग जो है ना वो सी बी पी की फॉर्म में सी बी पी फॉर्म में हम प्रोनाउंस करते हैं अच्छा जी अब ये जो क्री बाइंडिंग प्रोटीन है हम लोगों ने यहाँ तक बात की थी पहले डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक सिग्नल बाहर से आया एक एक्सटर्नल लाइगेंड आया जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ जाकर बाइंड किया

ये कैटालिटिक्स अब यूनिट्स जो है ना वो न्यूक्लियो पोर के थ्रू जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर होंगे अब ये चूंकि एक काइनेज है काइनेज का फंक्शन क्या होता है फास्फेट ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि ये किस पोजीशन के ऊपर फास्फेट ग्रुप को एक्टिवेट करवा ऐड करवाते हैं नहीं या थ्रेओनीन डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट प्रोटीन सो ये हमारे पास एक प्रोटीन है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्रैब क्रैब क्या है क्रीब बाइंडिंग प्रोटीन ठीक है क्री बाइंडिंग प्रोटीन जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होगी जो ही ये फास्फोकाइनेज ए इसके सीरिन रेजिड्यू को फास्फोरेलेट करवा देगा तो ये हमारे पास एक, एक एक्टिवेटेड फॉर्म में आ जाएगी और ये एक्टिवेटेड फॉर्म जो है ना वो अपने साथ इस फास्फेट ग्रुप के ऊपर बाइंड करवाएगी क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन को अब ये क्रैब बाइंडिंग प्रोटीन और ये जो क्रैब है ये दोनों आपस में जब कम्प्लेक्स बना लेंगे तो ये कम्प्लेक्स अब इजीली डॉक हो सकता है बैठ सकता है जुड़ सकता है जाकर क्री एलिमेंट के ऊपर और ये क्री एलिमेंट के ऊपर जो ही जाकर लगेगा उसी वक्त जो है ना वो हमारे पास इस जीन की जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी सो इस तरीके से हम लोगों ने ये पहले भी बात की कि पीछे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ी थी हार्ट के केस में तो उसमें हम लोगों ने कहा कि फास्टफर्ड आई एस्ट्रेज क्योंकि इसके बिल्कुल साथ होता है और ये जो है ना उसके रिस्पॉन्स को बड़ा ट्रांजियंट करवा देता है बहुत ही शॉर्ट स्पेन के लिए कर देता है सो तो इस तरीके से जब ये क्रैब एक्टिवेट हो गई ना तो इसका फंक्शन जो है वो मिनिमाइज़ हो गया एक बार क्रैब एक्टिवेट होगी तो क्रैब ने जाकर जो है ना वो वह क्री के साथ बाइंड करने और उसको जो है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को स्टार्ट करवा देना है ठीक है सो ये एक लंबा प्रोसेस होगा एक लंबा रिस्पॉन्स होगा कि अब सेल के अंदर जो है वो स्मेटोस्टाटिन हारमोन जो है उसकी प्रोडक्शन होगी सो इस तरीके से साइकिल ए एम पी जो है वो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स को भी सेल के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है सो so, यहाँ तक हम लोगों ने जो है ना वो इसको डिस्कस करना था आ, 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 होप सो कि आप लोगों को जो है वो कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आ, आप लोगों को जो है एल के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल है आप लोगों के पास रीडिंग मटेरियल है किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें और इसी तरीके से एल के फोरम के ऊपर जो है वो आप लोग डिस्कशन करें और जो है वो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा कि किस तरह कि इसमें हम लोग किस तरह से मज़ीद इम्प्रोमेंट कर सकते हैं अल्लाह हाफ़